इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कोई अगर पूछे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है तो उसको क्या जवाब दें क्या जवाब दें उसको उसको बोल दें कि डेरीवेटिव का उल्टा एंटी डेरीवेटिव भाई एंटी डेरीवेटिव इसको एंटी डेरीवेटिव भी बोल देते हैं ठीक है ना है ना डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन ठीक है पुराने जमाने में जब इंटीग्रेशन की खोज हुई तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल समेशन के लिए किया जाता था आप लोगों ने फिजिक्स में भी यही है। आप लोगों को फिजिक्स में बताया होगा कि छोटे छोटे पोर्शंस को जोड़ दोगे तो जोड़ के बाद जो आंसर आएगा और इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो सेम होगा मगर कभी आप लोगों ने इसका लॉजिक नहीं पूछा होगा फिजिक्स में कि क्यों ये छोटे छोटे पोर्शन जोड़ के जो आंसर आता है वो आंसर इंटीग्रेशन वाला ही होता है ऐसा तो कभी नहीं पूछा होगा शायद आप लोगों ने आपको ऐसे शायद इलेवेंथ में जब आए हो जो पहला सवाल आप लोगों ने किया होगा तो आपको ऐसे कन्विंस कर लिया गया होगा कि जब छोटे छोटे पोर्शन को जोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना और आपकी आंखों में आखे डाल खोल दिया है ना तो आपने कह दिया होगा हाँ ऐसे ही है और आपने मान लिया हुआ यस ऐसा ही तो होता है इंटीग्रेशन ही तो जोड़ होता है मगर इंटीग्रेशन जोड़ क्यों होता है इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम थोड़ी सी करेंगे चर्चा उसके ऊपर तो पुराने जमाने में जो सम है उसको एस से रिप्रेजेंट करते थे तो एक मैथमेटिशियन ने इस एस को डिस्टोर्ट करके ऐसा बना दिया यूं करके एस ही था ये पहले एस को थोड़ा ऐसे खींच दिया बोला ये बिल्कुल ही सम तो नहीं है ना इंटीग्रेशन सम का जो आंसर है वो देता है बट ऐसा भी थोड़ी करता है वन प्लस टू कर देता है इंटीग्रेशन ऐसा भी नहीं करता तो उसने कहा सम ही है सम जैसा ही है तो क्यों ना सम जैसे ही सिंबल्स के साथ इसको डिनोट करें तो एस को ऐसे खींच के बोल दिया कि इंटीग्रेशन को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे ये इसकी कहानी है ठीक है ना आपको बता दूं इंटीग्रेशन कई टाइप का होता है जब आगे आप मैथमेटिक्स पढ़ने का अगर आपको मौका मिलेगा अगर मिलेगा तो तो की बात हो रही है ठीक है है ना और वो यहाँ तो मिलने वाला नहीं है रोहतक के कॉलेज में तो मिलने वाला नहीं है मौका तो डबल इंटीग्रेशन भी होते हैं ऐसे करके यूं करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे डबल इंटीग्रेशन के आगे कुछ लिखा होगा है ना और ऐसे करके ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होते हैं है ना यूं करके है ना ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि तीन बार कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है ना ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होते हैं सर्कुलर इंटीग्रेशन भी होते हैं थोड़ा गो में आपने कुछ सीखा होगा यूं करके है ना इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनका कुछ अलग ही मतलब मजा आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीग्रेशन करते हो तो कुछ मतलब अलग ही चीजें सोल्व होनी चालू हो जाती है वो एक नई दुनिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी कैलकुलस होती है आपको बताऊं मैं जैसे रियल नंबर की कैलकुलस होती है ना रियल नंबर में लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की भी डिफरेंशियल कैलकुलस अलग होती है

ये हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है ना ये सारी जो कहानियां हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है मगर जब आप हाईर स्टडीज में जाते हो तो इस तरीके की कुछ कहानियां देखने को मिल सकती हैं ठीक है बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे देश में कि ये जो कहानियां हैं इन कहानियों को कोई लॉजिकली नहीं पढ़ाता है ना आगे अगर आप चले भी गए तो मुझे लगता है आप बोर शायद होने के ज्यादा चांसेस हैं डबल इंटीग्रेशन में आपको उतना मजा भारत देश में क्या पता ना आए जितना सिंगल इंटीग्रेशन में आने वाला है क्योंकि आप पे थोप दिया जाता है वो चुपचाप करो डबल इंटीग्रेशन ऐसा करके है ना तो हम तो सिंगल इंटीग्रेशन करेंगे और इंटरेस्टिंग बात क्या है ये जितनी भी कहानियां हैं ये सारी कहानियां एक महीने में पढ़ सकते हो आप अगर आपको सिंगल इंटीग्रेशन की कहानी पे पूरी मजबूत पकड़ बन जाती है तो तो खेल सारा सिंगल इंटीग्रेशन का है अगर अपने को इसमें कमांड आ जाती तो बाकी तो क्या ही है फिर इसी थ्योरी को एक्सटेंड कर करके कर, 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 नई नई थ्योरीज नई नई कहानियां बनाई हुई है ठीक है तो हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो होगा सिंगल इंटीग्रेशन पे और सिंगल इंटीग्रेशन में दो प्रकार से बातें करेंगे एक तो सिंगल इंटीग्रेशन में लिमिट्स जब नहीं होंगी और एक सिंगल इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स होंगी जैसे लिमिट्स ऐसे देखा होगा ना अपने फिजिक्स में ए से बी इंटीग्रेशन ऐसा कुछ है ना तो जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती हैं उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं और जिस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है बिना लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और फिर दूसरा जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लॉजिकली क्या डिफरेंस है फिजिकली ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली क्या डिफरेंस है वो सारे हम डेफिनेट वाला जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे ठीक है पहला हमें इनडेफिनेट को पढ़ना होगा फिर डेफिनेट जब हम पढ़ेंगे फिर इनमें डिफरेंस देखेंगे इनकी मीनिंग को देखेंगे सारी कहानी हम उसमें डिस्कस करेंगे अभी चुपचाप हमें यह पढ़ लेना है ठीक है क्यों पढ़ना है क्या इसके फायदे हैं वो सारे यहां पे आके आपको पता चलेंगे ठीक है तो दिस सिंबल इज सिंगल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इसी सिंबल को हम सिंपली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन ठीक है आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको इंटीग्रेशन में एक सिंपल सा फंडा है रोज का काम रोज कर लो कॉपी में जितने इंटीग्रेशन होंगे जितने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की कॉपी में जो आपको मैं इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं उन इंटीग्रेशन को पढ़ के आप कोई भी बुक का कोई भी सवाल किसी भी कोचिंग के मटेरियल का सवाल किसी भी पेपर का सवाल सोल्व कर सकते हो और आपके फाइनल में जो सवाल आने वाले हैं वो बिल्कुल वैसे वैसे सवाल आने वाले हैं इसलिए अपनी कॉपी में हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सजा करके रखें एकदम हर टाइप को हर मतलब एकदम मेरे को भी उतने इंटीग्रेशन आते हैं जितने मेरी कॉपी में लिखे हुए हैं वो बिल्कुल एकदम छपे हुए हैं उन्हीं से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो आपसे भी वैसे ही सोल्व होंगे अगर आप अपनी

इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम बोलेंगे दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल सी बात है ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की है ना दिस इज द दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस है उसी को हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं डेफिनेट नहीं ठीक है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन इन डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस नहीं है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है है ठीक कुछ लिखना तो इसमें से नोट करो फिर मैं आगे बोर्ड में कुछ कुछ बातें बताता हूँ आपको ठीक है एक और चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं मेरी ये कई सारे स्टूडेंट्स के ऊपर की गई रिसर्च है अपने ऊपर भी अपने दोस्तों के ऊपर भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यू को इंटीग्रल कैलकुलस उन्हीं लोगों का अच्छा बन पाता है जो क्लास के साथ अच्छा बना लें उसको है ना जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं ना चैप्टर हो गया खत्म पहले फिर सोचते हैं बाद में हम इसको घर पे बैठ के करते हैं वीडियोस के थ्रू करते हैं ऐसा कुछ करके करते हैं उनका कभी इंटीग्रल कैलकुलस मैंने बहुत अच्छा होते हुए देखा नहीं चाहे वो अच्छा हो। तो करनी है तो रोज का काम रोज करना होगा और फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा दिया ऐसा कुछ स्पीड से कुछ करा दिया ऐसा कभी फील नहीं होने वाला मैं बिल्कुल स्लो तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठती चली जाएं हाँ अगर दो या तीन क्लास के बाद आप पढ़ के नहीं आए हो तो उसके बाद फिर आप कभी क्लास में समझ भी नहीं सकते कुछ समझ में आना बंद हो जाएगा फिर तीन क्लास के बाद और अगर रोज का रोज पढ़ते आए तो एक एक बात क्लैरिटी के साथ मेरे बोलने से पहले समझ में आ जाएगी समझ में आ रही बात आपको एक और चीज जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले याद नहीं किए हैं या याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले आज ही याद कर लें ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुला का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है बहुत भर भर के जितना ट्रिग्नोमेट्री में होता था बिल्कुल उतना इस्तेमाल यहाँ पे ऐसा लगेगा कई जगह पर अगर ये वापस ट्रिग्नोमेट्री आ गई ठीक है लेकिन फॉर्मुले और कुछ क्वेश्चन अगर अपने को आते हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ही डीप डीप क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे वैसे यहाँ पे आएंगे नहीं फॉर्मुले का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए और मैंने ये भी देखा है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने के बाद लोगों की ट्रिग्नोमेट्री और अच्छी हो जाती है ठीक है ना मतलब और भी ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन जो पहले नहीं होते थे बहुत ही अच्छे हो, हो गए वो ठीक है तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रिग्नोमेट्री को भी और अल्जवरा भी इससे बड़ा अच्छा हो जाता है जो हल्की फुल्की कैलकुलेशन मैनिकुलेशन अभी नहीं कर पाते हो आप कि कहाँ पे प्लस थ्री माइनस थ्री करना है अभी नहीं सोच पाते हो मगर ये चैप्टर जैसे ही अपन करेंगे तो आप सोचना चालू कर देंगे ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है आपको मैथमेटिक्स में मेंटल इंप्रूवमेंट भी करवाता है ठीक है ना ये मतलब कई दिनों के बाद ऐसा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो काफी मजा इसमें आने वाला है ठीक है तो ना यहां पे देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आंसर आएगा भाई टू एक्स ठीक है और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आंसर आएगा अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एट का करूं तो भी तो यहां पे मैंने अभी कहा कि जो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की वो इंटीग्रेशन है तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एट होगा हाँ, तो यहां पे हमें यह समझना होगा कि दुनिया में करोड़ों ऐसे फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशिएट करके टू एक्स आता है है ना इनफाइनाट फंक्शन है तो टू एक्स का भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन को इस सिंबल से डिनोट करेंगे ठीक है और यहां पे डीएक्स लिखते हैं यह दर्शाने के लिए कि यह जो इंटीग्रेशन है यह विद रेस्पेक्ट टू एक्स हुआ है है ना ना अब कर 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 रहे 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 हो 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 ये तो तो बताना पड़ेगा ना? तो यहां पे दोनों बातों की की समझ लो इस इंपॉर्टेंस इतनी है कि, ये पता चलता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो और इस सिंबल की इंपॉर्टेंस इतनी है ये पता चलता है कि किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो ठीक है मान लो अगर मैं कहूँ आपको कि डी बाय डी एक्स स्क्सर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो एक्स की पावर डिफरेंशिएट करो एक्स की पावर फोर को तो क्या आएगा की को के में करो तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन सिखाया था ना आपको तो एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन हो गया फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स तो टू एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है तो अगर मैं कहूं आपसे कि टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आंसर आ जाएगा x की पावर फोर आ गया भाई के में डिफरेंशिएशन इतना है तो इंटीग्रेशन कितना होगा ये हो जाएगा x की पावर फोर प्लस कॉन्स्टेंट की प्लस कॉन्स्टेंट क्यों आए तो समझ में आ गया होगा ना आपको हाँ क्योंकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलग अलग रखोगे ना आप तो उन सब का डिफरेंशिएशन ये आता है तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में एक्सक्वास के रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में, में, में हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आ रही है, है ना देखो इसका एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो एक्स की पावर फोर आ गया अगर मैं कहता कि इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में करो डिफ्रे इसको इंटीग्रेट करो तो फिर आंसर कुछ अलग आता

जैसे कई बार हमें फिजिक्स में नॉर्मली आदत होती है इस कांस्टेंट को ऐसे की समझते हैं कि ये रहे, ऐसे ही है तो लेकिन जेई के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि आप जिस प्रॉब्लम में सी लाना हो और आप नहीं लिखो भूल जाओ मान लो आंसर में डिफरेंस आ जाता है तो कई बार क्या होता है सी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सी लिखना ना भूलें है ना ठीक है ठीक है तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हमने शुरुआत कहां से की थी डिफरेंशिएशन में सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी हैं? डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्या पढ़ा था सबसे पहले हम्म? रूल्स पढ़े थे या सबसे पहले बेसिक बेसिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन सीखा था हमने एक्स की पावर एन का क्या है साइन एक्स का क्या है कोस एक्स का क्या है टेन एक्स का क्या है सेकेंड एक्स का क्या है ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन इन्हीं के इस्तेमाल से हमने पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर फिर पढ़ लिया था और कुछ रूल्स पढ़े थे अरे यही तो पढ़े थे इंटीग्रेशन चैप्टर में भी यही करने वाले हैं हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर में भी हम कुछ तो रूल्स पढ़ने वाले हैं और बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने को पता लग गए रूल्स पता लग गए कैलकुलेशन करने का ढंग पता लग गया इनडेफिनेट पे हो जाएगी कमांड ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मुले है ना बेसिक इंटीग्रेशन ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मुले हैं सबको याद होने चाहिए भाई है ना साथ साथ के आप लोगों को लिख भी लेने हैं बेसिक इंटीग्रेशन है ना बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले तो बेसिक इंटीग्रेशन के ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मुले एकदम तमीज से याद होने चाहिए अपने को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के छह फॉर्मुले लिख देता हूं मैं है ना जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उन्हीं फॉर्मूला को उल्टा करके लिख दूंगा यहां पे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ठीक कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक्स प्लस सी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी ठीक है और secant x एक्स का डिफरेंशिएशन secant एक्स टेन एक्स था तो secant एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा secant x एक्स प्लस सी जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है उन्हीं को पलट करके लिख रहा हूं और उन्हीं से शुरू होता है आपका इंटीग्रेशन चैप्टर ठीक है यहां पे कोटेक्स का कितना होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का कितना होगा माइनस कोटेक्स प्लस सी है ना सिमिलरली लिख लो जरा इन फॉर्मूला को कोसेक एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस छह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बाय हार्ट अभी के अभी याद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला याद है तो भाई ये भी याद हो ही गए होंगे ठीक है। ठीक है है इसके बाद फिर अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी पढ़े थे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पढ़ लेते हैं उनको भी चलो बहुत ही बढ़िया कर दूं आगे बहुत ही बढ़िया तो इनवर्स वालों में बताइए जरा अंडर रूट डिनोमिनेटर में हो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बहुत बढ़िया और माइनस अगर होता यहां पे फिर क्या आंसर आता कोस इनवर्स एक्स प्लस सी बहुत ही बेहतरीन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है ना पहला लेक्चर बड़ा मस्त होता है सबको समझ में आता है दूसरे में कुछ कुछ समझ में आता है फिर तीसरे में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है है ना ऐसा नहीं सोचते तुम लोग सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी और ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट इनवर्स क्या कह रहे हो? हां ले लेते हैं ले लो लेना है तो नहीं तो अगर ऐसा भी आ जाए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये लो तो बहुत ही अच्छी बात है आपने मोड़ याद दिला दिया इंटीग्रल कैलकुलस में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पिछले जो तीन चार साल के जो के के प्रॉब्लम्स हैं सारे क्लास नोट्स अंदर ही करवा दूं। कैलकुलस पे किसी की कमांड हो जाती है तो सबसे ब्यूटीफुल बात क्या होती है जेई मेंस के पेपर के क्वेश्चंस करने में उसका कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि हाँ कुछ एक दो चैप्टर इलेवेंथ के नहीं आते मान लो तो भी कॉन्फिडेंटली जो सॉल्व करके आता है ना उससे कुछ कुछ तो वो भी निकल जाते हैं सो कैलकुलस पे कमांड बड़ी जरूरी चीज है कैलकुलस पे कमांड रहती तो का भी एक आध क्वेश्चन ऐसे फ्लो फ्लो में निकल जाता है 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 ना ठीक है भाई ये बात मेरे लिख लेना आप इंटीग्रल कैलकुलस की जो कॉपी है उसको बाइबल की तरह सजा लेना जैसे ट्रक नहीं सजाते हैं और ड्राइवर पीछे लिखे रहते हैं कुछ कुछ कोटेशन सिंग किंग या ऐसे कुछ लिख देते हैं वो लोग हाँ <laughs> ऐसा भी लिख देते हैं बुरी नजर वाले काला ठीक है तो ऐसे ट्रक की तरह सजा लेना कॉपी ट्रक को चोटियां भी बांध देते हैं पीछे वो देखा होगा कुछ कुछ वो ऐसे फिर रोड के ऊपर है नींबू मिर्च तो खैर आगे लगाते हैं वो पीछे लगाते हैं दुष्ट वो आगे लगाते हैं वो कि कोई दुष्ट आगे से अगर आ रहा हो तो नींबू मिर्च देख करके वो साइड हो जाए पीछे पीछे बांधते क्या नींबू मिर्च पीछे तो मैंने देखा नहीं आगे बांधते हैं शायद वो तो है ना तो तो अपनी जो कॉपी है उस पर कहने का मतलब है सब कुछ कर लेना क्योंकि क्योंकि अगर तुम चले गए किसी में अगर चले गए तो इसमें अगर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कॉलेज में भी याद करोगे इस कॉपी को अरे 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 ये तो पेपर में वो वाला क्वेश्चन आ गया यार वो तो वहाँ पे किया था हमने बताओ तो आपको बड़ा शौक लगेगा है ना तो फिर आप याद करोगे कॉपी को कॉपी है कबाडी के पास तो ढूंढते ढूंढते बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए कह रहा हूं मैं तुमको तो अपनी कॉपी ये वाली जो कॉपी है ये आपको जीवन पर साथ देके जाएगी और बताइए भाई कौन कौन से फॉर्मूले थे है ना चलो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्यों क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है इसका है ना वो एन प्लस वन एक्स की पावर n होता है तो कैंसल होके भाई आ गया ठीक है समझ में आ रही बात प्लस कॉन्स्टेंट और ये फॉर्मूला एन की किस वैल्यू के लिए वैलिड है भाई एन की वैल्यूज के लिए नावर ना? रूट टू का इंटीग्रेशन तो देखा होगा ना अभी आप मैथ्स में देखोगे एक्स की इरेशनल पावर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कोई नहीं करवाना चाहता आपसे ठीक है और बताइए और कौन से फॉर्मूले जानते हो अपन ए की पावर एक्स का है तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ए की पावर एक्स एल एन ए तो इंटीग्रेशन में एल एन ए नीचे चला जाएगा है ना तो ये हो गया ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए ठीक लिखा क्या मैंने ये ठीक है प्लस कांस्टेंट और ये ए की किस वैल्यू के लिए वैलिड है एक तो पॉजिटिव होना चाहिए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए ठीक है चलिए और बताइए जरा लोग का 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 डिफरेंशिएशन होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एक्स प्लस सी नॉर्मली लोग सोचते हैं ऐसा होता है मगर एल एन मोडलस एक्स प्लस सी होता है ये ये बात अपने को ध्यान रखनी है क्योंकि यहां पे तो एक्स नेगेटिव हो सकता है ना इंटीग्रेट करते हुए तो तो ध्यान रखना बिल्कुल एल एन मोड एक्स प्लस से इसके ऊपर जो ये कई छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जैसे WBJ हो गया एक कोई केरला में एक एग्जाम होता है है ना यू का पेपर हुआ करता था बिटसेट का, का पेपर होता है एनडीए के पेपर हैं उनमें इस मोडलस के ऊपर ही सवाल बना देते हैं कई बार ठीक है भाई तो बहुत ही बढ़िया और कोई फॉर्मूला भी जानते हो भाई हैं जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है जीरो का इंटीग्रेशन जीरो जीरो ही होता है होता है ऐसा लगता है ऐसा जीरो बड़ा अच्छा नंबर है अच्छा मुझे बताओ टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता होगा कांस्टेंट होता है ना जीरो बोलने की गलती क्यों कर रहे हो आप कांस्टेंट होता है ठीक है ना चलो जी सोलह हो गए भाई पूरे फॉर्मूले याद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको इन में, ठीक है है ना और लो एक्स। लो एक्स का ए, 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 इंटीग्रेशन बाद में करेंगे अभी आप कर पाओगे कर दोगे बताओ e की पावर एक्स का तो ये लिख दिया हमने चलो यहां पे इसी के बगल में लिख देना चाहिए था वैसे तो अपने को मगर कोई नहीं ऐसे करके लिख देंगे अभी भी लिख दें बगल में सोलवें सत्रहवें पे एक e की पावर एक्स का लिख दो e की पावर एक्स का क्या होता है ठीक है जी ठीक है चलो और एक और भी कर लेते हैं याद वन बाय एक्स स्क्वायर का कोई अगर पूछ ले इंटीग्रेशन तो खट से माइनस वन बाय एक्स प्लस ही बोल देना चाहिए एकदम आपको बिना सोचे हुए ठीक है ये भी याद हो गया भाई और बताइए x की पावर x का डिफरेंशिएशन याद करने के लिए कहा था मैंने x की पावर x इंटू वन प्लस एल एन एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन करें x की पावर x इंटू वन प्लस एल एन एक्स का है ना कई बार ये क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है तो एक्स की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें सीधा सीधा ठीक है भाई है ना दिस फॉर्मूला इज नॉट स्टैंडर्ड इन बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव में तो सब कुछ स्टैंडर्ड है ठीक है हम्म hmm. तो ये हो गया भाई हाँ नहीं ये वेरिएबल है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ठीक है अच्छा एक और चीज सुन लो ये जो फॉर्मूले हैं ये जैसे मैंने बताए हैं ये बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करने हैं इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना जैसे अगर यहां x की जगह रूट एक्स लिखा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मर्जी से यहां रूट एक्स लगा दो तो नहीं e की पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स नहीं होता जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही इस्तेमाल में लाने हैं ये रूल बना लीजिए आज अगर इनमें कोई बदलाव करके दिया जाएगा तो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो बताया जाएगा अपनी मर्जी का कोई रूल नहीं बनाना जैसे कई बार मैंने देखा है e की पावर साइन एक्स लिखा हो तो उसको बी e की पावर साइन एक्स प्लस कर दिया है ना ऐसे तो डिफरेंशिएशन में भी नहीं होता ना चेन रूल लगता है इसके भी अपने रूल हैं यहां पे ठीक है मुझे लगता है आप लोगों ने फिजिक्स में जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है ये सारे फॉर्मुले पढ़े होंगे एक तो इनमें से कुछ इसके अलावा भी कुछ और पढ़ा है यही पढ़ा हुआ शायद ठीक है तो वो हमने रिवाइज कर लिया ठीक है पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं करें कुछ प्रॉब्लम चलो जरा चलो नाउ प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू आप बताइए कि एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन को कैसे इंटीग्रेट करें बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपन हो गया भी पहले वाला तो चलो बहुत ही बढ़िया सेकंड वाला भी हो गया होगा फर्स्ट वाला देख लेते हैं जिन लोगों से फर्स्ट वाला नहीं हुआ एक्स की पावर फोर माइनस वन है ना तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिया डिवाइड बाय एक्स माइनस वन है एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ अगर एक्स माइनस वन को ऐसे कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा एक्स प्लस वन बचेगा ना दो फैक्टर होते हैं इसके तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा सिंपल आंसर आ गया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो एक्स की पावर फोर बाय फोर एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू वन का हो गया एक्स प्लस हो गया कॉन्स्टेंट ठीक है जी है ना विक्रम समझ में आ रही है क्या चलो ये वाला भी हो गया क्या देख लो जरा है एक मिनट इस पर लगा लो अरे अब तो इधर चेप के मत लिखो भाई पीछे खुद लिख ले खुद कर ले तो दिमाग लगा के तो सिंपल सिंपल ही कैलकुलेशन है ये बोर्ड पे लिख के चेप हो के क्या देख लो e की पावर x यो का यो है नीचे 2 की पावर 2x एक्स इंटू की पावर 3 ऐसे लिख दिया कोई परेशानी तो नहीं है ना ये जो 2 की पावर 3 है क्या हो गया 8 तो ये 1 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है जी और ये जो 2 की पावर 2x है इसको लिख दिया 4 की पावर x तो ये हो गया वन बाय फोर इसकी पावर एक्स ऐसा हो गया ई बाय फोर की पावर एक्स तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तुम जानते ही हो कितना होता है ए की पावर एक्स अपॉन अपॉन एल एन ए बोले तो ई बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट आंसर आ गया ठीक है बहुत ही सिंपल है ऐसे एक्सपोनेंट में यू इस प्रकार से कुछ कुछ छेड़छाड़ करके देगा लेकिन इस प्रकार का बहुत बार बनता है ठीक है भाई समझ में आ रहा है ठीक है बिल्कुल यही फॉर्मूले जो है ना इन्हीं को आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं आज हमने जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले जो है वो सीख लिए हैं लिख लिए हैं उन्हीं पे क्वेश्चन करने वाले हैं है? एक और क्वेश्चन दे दूं क्या जल्दी से लिख लो लिख लो क्या देखो भाई ये दो क्वेश्चन और दिए मैंने करें जरा सॉल्व इसका ऊपर वाले का ऊपर वाला तो बहुत ही सिंपल है देखो इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं देखिए जरा अटेम्प्ट कर लिया हो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर जो है ना एक्स स्क्वायर इसमें अगर प्लस वन कर दें और माइनस वन कर दें तो मजा आ जाएगा ये प्लस वन माइनस वन क्यों किया है इसका लॉजिक आपको एकदम समझ आना चाहिए है ना तो ये चीज कैंसिल हो गई वन हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो वन का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है क्योंकि एक्स का डिफ़रेंशिएशन है. है वन होता है ना और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका इंटीग्रेशन जो है वो टेन इनवर्स एक्स होता है ना प्लस कॉन्स्टेंट आ गया आंसर ठीक है भाई आपका भी ठीक है इसको आप x x लिख दिया वो भी बिल्कुल ठीक है ये लिख दिया ये भी ठीक है देखते हैं जरा तो ये वाले क्वेश्चन में मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं एक नॉन लविंग चीज है उसको लविंग कैसे बनाया जाए हम ऐसा सोचेंगे काश ये स्क्वायर हट जाए तो मजा आ जाता अब ये कैसे हटेगा प्लस वन माइनस वन करके देखो हटा है ठीक है तो ये बात थोड़ी सी है समझ आनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी जमाने में आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है अब तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ लिया जेई मेंस में भी आ लिया बार बार आने का प्रयास करता ही रहता है ठीक है फेमस प्रॉब्लम होना ही चाहिए हाँ जी यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग सजावट की गई है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया गया है ना तो छटपटाहट होती है कैलकुलेशन करने में लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्टली देखें ये वाला जो एक्स स्क्वायर है अगर आप इसमें वन जोड़ दोगे तो नीचे वाले के साथ सेटिंग बन जाएगी और ये जो आपका साइंस स्क्वायर एक्स है इसमें से माइनस वन करोगे ना तो ये को स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनके इसके साथ कैंसिल होने के चांस बन जाएंगे ठीक है ना तो देखिए जरा इसको ऐसा लिख देता हूं मैं पहले तो आप ये समझिए कि इसको यूं लिखना ठीक है क्या इन टू में सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स इन टू में सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स अरे समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं मैं बस इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं ये सोचो कि ये प्लस वन माइनस वन क्यों किया बस इस क्यों के पीछे पड़ जाओगे ना इंटीग्रेशन में तो गेम हो जाएगा ठीक है तो यहां पे देखो क्या होगा इसके साथ ही कैंसिल हो गया तो वन आ गया वन इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया वन इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया ठीक है जी अच्छा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन कितना होता है माइनस को स्क्वायर माइनस स्क्वायर सीकेंड के कितना बन जाएगा? Minus one, minus one बन जाएगा जाएगा ये लो जी हो गया सवाल का इंटीग्रेशन तो टेन हो गया और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना हो गया कितना तो देखो मस्त आंसर आया टेन एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट समझ में आ रही है बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये मतलब ये अपने नोट्स में होना ही चाहिए यह है ना यहाँ पे देखो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री और अल्जबरा को मिक्स किया हुआ है अल्टीमेटली मैंने ट्रिग्नोमेट्री को एक तरफ कर दिया और बाकी जो अलजबरा जो था उसको एक तरफ कर दिया करते हो गया फिलोसफी समझनी है सवाल की है ना मेरा इंटरेस्ट आंसर निकालने में कतई नहीं होता इंटीग्रेशन में प्रोसेस समझने में होता है तो आपका भी उसी में होना चाहिए ना आपको क्या लग रहा है इंटीग्रेशन के हमने चार ही सवाल किए हैं छोटी सी जर्नी में इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है फॉर्मुले बहुत होने वाले हैं या फिर ये जो प्लस वन माइनस वन करना पड़ रहा है ये ज्यादा होने वाला है आपको इंटीग्रेशन में नॉर्मली लोग गलत समझ लेते हैं क्योंकि फॉर्मुले बहुत हैं उनको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे आई वाले सॉल्व नहीं होने वाले भाई फॉर्मुले तो सब किसी को याद है ये होते हैं छत्तीस चालीस फॉर्मुले है बैठ के कर लो लिस्ट एक बच्चे को दसवीं वाले को दे दो वो भी कर लेगा याद क्वेश्चन नहीं हुआ एक भी सॉल्व लेकिन इंटीग्रेशन पे कमांड लानी है तो ये जो मैनिकुलेशन करनी पड़ रही है यहां पे इनको समझना है इसलिए मैं कहता हूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किसी का मजबूत होता है तो अल्जबरा क्यों ना अपने आप मजबूत हो बिल्कुल होगा भाई ये मैनिकुलेशन ही तो सीखनी होती है अलजबरा में आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं सो so, इंटीग्रेशन में तीन चीजें होती हैं है ना अगर पूरे इंटीग्रेशन को आप बांटो इसमें तीन ही बातें सीखनी होती है एक तो फॉर्मूला फॉर्मूला के अलावा दूसरी चीज सीखनी होती है मैनिकुलेशन क्या सीखनी होती है मैनिकुलेशन जो हम सीखने की प्रयास कर रहे हैं अभी और तीसरी चीज सीखने की कोशिश करनी होती है लविंग इंटीग्रेशन कि अरे ये वाला तो ऐसे हो जाता है सोल्व उनको पहचानना अगर कोई तीन चीजों पे कमांड बना लेता है तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे पूरी कमांड बन जाती है ठीक है और क्वेश्चन करते हैं सोल्व ठीक है अब कुछ बातें सीखने का प्रयास कर रहे हैं अपन है ना सीख करके फिर आगे चलेंगे मुझे एक बात बताओ स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी होता है सहमत ना इस बात से अब मुझे बताओ कोस एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता होगा साइन एक्स प्लस फाइव प्लस सी क्यों बताया आपने ऐसे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना आप तो साइन एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है साइन x प्लस फाइव को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कोस हो गया और चेन रूल से x प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा है ना अच्छा तो कहने का मतलब x में मैं कुछ कांस्टेंट जोड़ दूं या माइनस कर दूं यो का यो आंसर में जोड़ दूं या माइनस कर दो तो।, तो जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं एक बार उन पे चलते हैं अपन अगर मैं कहूं 1 अपोन x 5 का इंटीग्रेशन क्या है तो आप बोलो ln x 5 का मोड अगर मैं कहूं 1 अपोन x 5 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है तो आप बोलो -1 अपोन x 5 मतलब इस वेरिएबल में कोई कांस्टेंट जोड़ोगे या घटाओगे तो आंसर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा सिंपल सा फंडा सिख लिया अपन ने समझ में आ रही है अगर अपन बोले कि भाई 2x प्लस सॉरी uh, x प्लस हंड्रेड की पावर एन का इंटीग्रेशन करो तो मैं कहूंगा x प्लस हंड्रेड की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है तो यहां पे इस कांस्टेंट को हमने आ, uh, ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये यूं का यूं यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा ठीक है अब एक छोटी सी बात और है अगर इस x के साथ कोई एक और कांस्टेंट होता वन के अलावा जैसे टू हो गया कोफिशिएंट कुछ ऐसा आ जाता है ना तो यहां पे इसकी महत्वता अपने को सीखनी है कि भाई ये हो जाएगा आपका साइन टू एक्स प्लस फाइव यहां बाई टू करना पड़ेगा ये बात पता है आप लोगों को ठीक है ना क्लियर है ना एकदम क्यों किया क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब जाके ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन हो गया कोस टू एक्स प्लस फाइव इंटू और ये 2 कैंसिल होकर ये मिल जाएगा आपको ठीक है और अगर मैं ऐसा कर दूं कॉस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव तो फिर इसका क्या होगा साइन ऐसा कर दें क्या टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइड बाय टू एक्स ऐसा कर दें क्या नहीं तो ये अब ठीक है अच्छा फोर एक्स कहां पर आएगा फोर एक्स यहां पे आगे डिवाइड में फोर एक्स अब ठीक है तो ठीक है ना अब तो ठीक है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे हो गया साइन का कोस और चेन रूल से फिर इसका क्या होगा फोर एक्स कैंसिल ऐसा ही चलो एक ऐसा सेपरेट प्रॉब्लम लेते हैं साइन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बताओ मेरे को आप क्वेश्चन से करते हैं साइन का लिखोगे ऐसे इंटू फोर एक्स माइनस फिर साइन को यो का यो करोगे तो कुछ लंबा ही जुगाड़ आ गया इंटू फोर एक्स का अपॉन फोर एक्स का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन ये आता है ये नहीं आता ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को तो आप ये समझ में आ रहा है आपको कि x एकस को स्क्वायर करते कितना बड़ा लफड़ा हो गया क्या इंटीग्रेशन आएगा ये सोचने में लग रहा है दिमाग अच्छा खासा तो मैं इसलिए कह रहा था कि भाई ये जो x दिए हुए हैं आपके फॉर्मूला में इनकी जगह x को नहीं छेड़ना आपको बस जो भी फॉर्मुले हमने सीखे हैं उन्नीस फॉर्मूले पर ने लिखे हैं नाइनटीन फॉर्मूलाज उनमें एक्स को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी अपने को x को जैसे ही छेड़ोगे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई बंद हो जाएगा सब कुछ लगना एकदम समझ में आ रही नहीं आ रही बात तो ये चीज हट जाएगी सिर्फ ये बचेगा ये बिल्कुल वैलिड रहेंगे ठीक है तो जो हमने 19 फॉर्मूला सीखे हैं उनमें x की जगह पे कोई लीनियर आ जाएगा तो ठीक है एक्स प्लस बी टाइप कुछ भी आ जाएगा तो ठीक है बाकी किसी का आना अलाउड नहीं है फिर क्या करना पड़ेगा बाद में सीखेंगे एज ऑफ नाउ क्लियर हो गई भाई ये बातें तो नोट करके अपन ये बात लिख सकते हैं नोट करके ये बात लिख सकते हैं कि अगर एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हो और वो gx आ जाता है अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हो और वो जी एक्स आ जाता है तो एक्स की जगह पे कोई ए एक्स प्लस बी लाना अलाउड है भाई आंसर जी फंक्शन ही रहेगा मगर उसमें आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा ए से डिवाइड करना पड़ेगा यह बात सीखनी है अपने को अरे समझ में आ रही है क्या भाई इसका इंटीग्रेशन करके जी आता है तो इसका इंटीग्रेशन करके जी ए एक्स प्लस बी अपन ए आएगा बस ठीक है तो अगर ये सारी बातें अपन ने सीख ली हैं तो फिर सवाल करते हैं सॉल्व ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन ठीक है ना भाई है ना इसको हमने कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट कर लिया आगे करें तो मुझे आप बताओ इसको इंटीग्रेट करके एक मिनट यहां पे करो आप अब बताइए वेरी सिंपल क्वेश्चन हाँ जी हो गया हो गया क्या आंसर आया क्या चीज देखो भाई नीचे वाली चीज को देखो और देखते रहो बहुत देर तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको यू लिखने में कोई बुराई नहीं है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन आ गया डिनोमिनेटर में ठीक है अब अपन फॉर्मूला जानते हैं ये वाला अपन तो ये वाला फॉर्मूला जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है तो अगर x की जगह x 1 होगा तो यहां पे कितना आ जाएगा x 1 आ जाएगा तो सीधी सी बात है इसका आंसर कितना हो गया tan इनवर्स x 1 c ठीक है ना तो ये इस फॉर्मूले का प्रॉब्लम था ये आपको पहचान करनी पड़ेगी भाई ये वाला फॉर्मूला अपन ने इस्तेमाल किया है ठीक है ना अभी आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो इन कैलकुलेशंस की मैनिपुलेशंस की तो ना। ये कतई ना लिखें आप ये लिखे ना लिखे मुझे कोई दिक्कत नहीं है मगर प्लीज ये ये ना ना लिखें ये चीज ना लिखें आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख टू फिर चेन रूल से ऊपर तो टू एक्स प्लस टू भी तो आ जाएगा इन टू वन आएगा यही तो आएगा अरे समझ में आ रही है ना भाई तो आप खुद भी इस बात को समझ सकते हैं ना ये ना लिखें ठीक है जी चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वेरी एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स लेकिन सिखाएंगे यही आपको इंटीग्रेशन करना सीखना है तो यही प्रॉब्लम्स आपको सिखाएंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें काफी स्ट्रगल कर रहे हो आप देखो जरा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना इसको लिख दिया मैंने एक्स माइनस वन एक्स प्लस ध्यान से देखना जरा अब मैं कुछ सजावटें कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर में एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का डिफरेंस लिख रहा हूं तो डिफरेंस लिखने पे तो टू आ जाएगा और मैं टू से डिवाइड भी कर रहा हूं अब देखिए वन ही रहा है ना पहले तो ये बताओ कि क्या इस प्रकार की सजावट करना ठीक है क्या कोई दिक्कत नहीं है है ना ठीक तो है मगर इससे बेनिफिट क्या हुआ जब ये इससे कैंसल हो जाएगा तो हमें नीचे मिलेगा x माइनस वन और माइनस में ये कैंसल होकर के हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा x प्लस वन पहले तो बताओ ये बात समझ में आ रही है आंसर आ जाएगा अभी वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन मोड एक्स तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का कितना होगा एलेन मोड एक्स माइनस वन माइनस एल एन मोड एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट आ गया आंसर इस आंसर को आप यूं भी लिख सकते हैं वन बाय टू एल एन मोड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अरे ठीक है क्या भाई जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसको लविंग इंटीग्रेशन में ले जाने के लिए कुछ मैथमेटिकल हरकतें आपको करनी पड़ेंगी ये यहां से सीखने को मिला है ठीक है क्या एक और क्वेश्चन दे दू क्या करेक्ट चलो फिर करेक्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कोशिश करोगे हो जाएगा अटेम्प्ट करें जरा इस प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर लें उसके बाद फिर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा हो गया हाँ जी हो गया देख लो जरा मैं भी कर रहा हूं सोल्यूशन मैच कर लेना अपना x की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एक तो ये बात समझनी है और ये जो वन है इस वन को लिख दिया थ्री माइनस टू ऐसा लिखने से देखिए पूरी प्रॉब्लम जो है बड़ी सुंदर दिखने लगेगी आपको ठीक है इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहां पे तो कैंसिलेशन होकर के कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पे कैंसलेशन होकर कितना आएगा प्लस थ्री और ये माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन यो का यू है ठीक है जी अरे समझ में आ रही है क्या भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री थ्री का इंटीग्रेशन हो गया थ्री एक्स माइनस टू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सिंपल क्वेश्चन है ना आपको बताऊं कि डिनोमिनेटर में एक्सक्वायर प्लस वन लविंग है ये बात समझ में आ रही है आपको किस वजह से वन अपॉन एक्सक्वायर प्लस वन वाले फॉर्मूले की वजह से और डिनोमिनेटर में एक्सक्वायर प्लस वन अगर हो न्यूमिनेटर में कैसा भी पॉलिनोमियल हो कैसा भी पॉलिनोमियल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है चाहे ये वाला हो या कोई और रैंडम पोलिनोमियल भी होता तो भी हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते थे अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात एक और क्वेश्चन लिखे जरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं जरा क्वेश्चन नंबर एट इंटीग्रेट करें है ना इंटीग्रेट करें न्यूमिनेटर में एक लिख दिया मैंने ऐसे छह डिग्री का ठीक है और डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में क्या क्या पसंद है अपने को एक्स प्लस वन क्यों पसंद है डिनोमिनेटर में क्योंकि वन अपॉन एक्स प्लस वन का खट से इंटीग्रेशन कर सकते हैं एलन एक्स प्लस वन और वन अपन एक्सक्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है है ना तो क्या क्या हमको पसंद है वो सारी चीजें अपने को अगर पता है तो फिर इस प्रॉब्लम को अपनी पसंद वाली चीजों में बनाया जा सकता है ठीक है सोचें जरा भाई देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों ने एक थोट दे लिया इसके ऊपर ठीक है ना अगर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगानी अपने को बिल्कुल सीधा इसको करना है तो x की पावर सिक्स माइनस फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को अगर आप देखेंगे इसको अगर आप x प्लस वन से डिवाइड करते हैं डिवाइड करना सीखा है आपने तो चलो करते हैं डिवाइड x की पावर पांच से डिवाइड होगा x की पावर सिक्स प्लस x की पावर पांच फिर कर दिया माइनस ये आ गया माइनस सिक्स एक्स की पावर पांच प्लस फोर एक्स क्यूब ठीक है तो अब किससे करना पड़ेगा भाई माइनस सिक्स एक्स की पावर फोर से तो माइनस सिक्स एक्स की पावर फाइव माइनस सिक्स एक्स की पावर फोर फिर माइनस कर दो कैंसल हो गया यहाँ आ गया सिक्स एक्स एक्स की पावर फोर फोर प्लस क्यूब, उसके बाद फिर क्या कर दिया सिक्स एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिक्स एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब ऐसे करते थे डिवाइड ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कैसे कर रहा हूँ मैं चलो बहुत ही बढ़िया है ना फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर को उठा लाए यहां से ठीक है है ना तो देखो इसके बाद का यहां पे कॉपी कर रहा हूं आगे तो अगर आप माइनस टू एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना आगे यहां पे माइनस टू एक्स क्यूब प्लस प्लस का माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर ठीक है इनको जब माइनस करेंगे तो प्लस प्लस यहाँ आ गया आपका फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस थ्री एक्स प्लस वन लिख लिया मैंने ठीक है अब इसको करो आप फोर एक्स से फोर एक्स से करोगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फिर कर दिया माइनस ये कट गया माइनस एक्स प्लस वन अब कर दिया माइनस वन से माइनस वन तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस वन प्लस प्लस ये आ गया प्लस टू ऐसा कुछ आ गया तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं आपने थ्योरम सुनी होगी कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इनटू दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी ठीक है है ना डिविडेंड होता है ना ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस तो ये ऊपर वाला जो डिविडेंड है इसको लिख रहा हूं मैं डिवाइजर इन टू क्वेश्चन एक्स की पावर फाइव माइनस सिक्स एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर उसके बाद कितना आ रहा है प्लस फोर एक्स माइनस वन आ रहा है ठीक है और रिमाइंडर है टू है ना रिमाइंडर है टू तो ये न्यूमिरेटर को ऐसा लिख सकते हो आप लिख सकते हो ना लिख सकते हैं क्या भाई और डिवाइड किससे करना है इसको डिनोमिनेटर कितना एक्स प्लस वन तो डिनोमिनेटर को लिख दिया ऐसे x plus one, x plus one. पहले तो ये बताओ ऐसा लिखना सही है क्या बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है लविंग बन गया टोटल एकदम ये कैंसल हो गया इसका इंटीग्रेशन तो कर दोगे अभी और इसका इंटीग्रेशन भी कर दोगे ठीक है तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो x की पावर सिक्स बाई सिक्स माइनस सिक्स एक्स की पावर फाइव बाई फाइव प्लस फोर बाई फोर माइनस टू एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस टू एल एन मोड एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट आंसर समझ में आ रही है बात मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था दिखने में बस थोड़ा सा था तो लर्निंग क्या है भाई अभी तक के हमारे डिस्कशन की है? लविंग क्वांटिटीज इस प्रॉब्लम की क्या लर्निंग है इस प्रॉब्लम की लर्निंग यह है न्यूमरेटर में कैसा ही पोलिनोम दे दो डिनोमिनेटर लविंग अगर है अपन कर देंगे सॉल्व समझ में आ रही कि नहीं आ रही कोई भी के में एक्स प्लस वन दोगे या एक्स स्क्वायर प्लस वन दोगे अपन सॉल्व कर लेंगे और आगे आपको यह भी पढ़ाया जाएगा कि डिनोमिनेटर में एक्स क्यू प्लस वन या कोई और पोलिनोम दोगे वो भी सॉल्व हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझ में आ रही नहीं आ रही एज ऑफ नाउ हमारी लर्निंग को हम यहां लिख लेंगे इसको लिख लो किसी को लिखना है तो अगर डिवाइड ये जो डिवीजन भी अगर आप देख के लिख रहे हो तो है तो शर्म वाली बात मगर कोई बात नहीं लिख लो अरे समझ में आ गई ना वही बात तो यहां से हम हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो नोट कर लेते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंटीग्रेशन कोई भी पोलिनोमियल का आ जाए एनी पोलिनोम कोई भी पोलिनोम आ जाए डिवीजन में अगर एक्स प्लस वन है एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ हमारी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि इंटीग्रेशन में एनी पोलिनोमियल अपॉन एक्स प्लस वन आ गया ना ये एक्स माइनस वन आ गया लीनियर अगर नीचे आ गया ये लो लीनियर नीचे आ गया यहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं लीनियर की तो अपन हर उस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करने में सक्षम है ठीक है लीनियर हो और मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर नीचे स्क्वायर प्लस वन हो आ जाए उसको भी कर सकते हैं का बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है ठीक है एक और क्वेश्चन दे दूं क्या दिस इज वेरी लविंग सोलवेबल है ठीक है ना ये लविंग है भाई दिस इज वेरी लविंग ठीक है चलिए बहुत ही शानदार तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें जरा चलिए आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा देखिए जरा इधर इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दिया है डिनोमिनेटर में रूट में कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला जानते हैं अपन यही तो जानते हैं अपन तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोचते हैं जरा अगर हम भाई इस वाले फॉर्मूले में देखो एक तो वन होता है यहां पे अगर मैं इसमें वन ले आता हूं अब वन अपने आप तो आएगा नहीं एक माइनस वन भी करना पड़ेगा आपको तो प्लस वन माइनस वन कर लिया ठीक है प्लस वन माइनस वन कर लिया हमने तो इस वन को ऐसे ही रखा माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और आपको बता रखा है एक्स की जगह कोई लीनियर हो तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गई बात तो आंसर कितना आ गया साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट आंसर है ना चलिए बहुत ही अच्छी बात है एक और क्वेश्चन कर ले क्या? ये सिंपल सिंपल चीजें जो है ना यही आपके इस चैप्टर को बिल्ड करने वाली हैं ये सिंपल सिंपल थॉट्स जो ये थॉट डालना जानता है समझ में आ जाएंगी बातें सारी चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं इंटी यार ये सबसे ही होना चाहिए सॉल्व बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बड़ा सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने देखिए जरा है ना भाई इस को में कन्वर्ट करना तो बड़ा इजी है इसको वन बाय टेन लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा वन बाय टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स ठीक है जी अब अगर आपने एलसीएम ले लिया तो सीन हो जाएगा ऐसा ठीक है ना यहां स्क्वायर एक्स हो जाएगा और denominator में वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कोट स्क्वायर एक्स से ज्यादा लविंग होता है कोसेक स्क्वायर एक्स तो कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें अपन क्या लिखें? कोसेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दें ठीक कोसेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस कोट और वन का जानते हैं अपन एक्स आंसर आ गया ठीक है सिंप्लीफिकेशन करना है लविंग चीजों की तरफ जाने का प्रयास करना है दैट्स ऑल तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे ठीक है हमारे अगले लेक्चर में हम जो ये बेसिक इंटीग्रेशन है इन्हीं पे कुछ और सवाल करेंगे और थोड़ी बहुत नई टेक्निक सीखेंगे इंटीग्रेशन को सोल्व करने की और धीरे धीरे करके थोड़े बहुत फॉर्मूले भी अपन सीखने का प्रयास करेंगे ठीक है आज इतना ही आज के लिए इतना ही